स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मिश्रा हेल्दी टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैल्डिकाइंड पी सस्पेंशन सिरप के बारे में। कैल्डिकाइंड पी का जो ये सिरप देख रहे हैं, इसको डिस्कवरी मैनकाइंड फार्मा का ये प्रोडक्ट है। दोस्तों काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है, बच्चों में खास करके काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है इसका। इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि इस सिरप का उपयोग कब करना चाहिए, किस स्थिति में इसका उपयोग करना चाहिए, क्या फ़ायदा देता है आपके बच्चे के लिए, आपके शरीर में किस तरह से काम करता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी पता चल सके। इसके पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि दवाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं कैल्डिकाइंड पी सिरप के बारे में। तो दोस्तों इसको जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिस्कवरी मैनकाइंड फार्मा का ये प्रोडक्ट है। ये दोस्तों मैंगो फ्लेवर में अवेलेबल होता है, तो काफ़ी अच्छा होता है, बच्चे इसको काफ़ी आसानी से पी सकते हैं, कोई बैड स्मेल नहीं होता है इसका। बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूट की, क्या क्या मिलाया जाता है इसमें। तो दोस्तों इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, डी मेनोज होता है, जिंक और विटामिन D3, ये सारे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं इसको बनाने के लिए। इसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स इसमें मिलाए जाते हैं। इसके यूजेज की बात करें तो दोस्तों इसमें जो कैल्शियम होता है वो हेल्दी बोन और टीथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। शरीर में कैल्शियम की जो कमी हो जाती है उसकी वजह से कई बार हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा जो दांत बनते हैं, दांत जो है कमज़ोर हो जाते हैं, मंसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। तो कैल्शियम जो है हेल्दी बोन और टीथ के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन डी होता है, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी शरीर में तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कैल्शियम पचेगा नहीं, तो आपका दांत और हड्डी जाहिर सी बात है कमज़ोर हो जाएगी। इसमें जो है और कई तरह के मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम होता है, जो कि सेल्स के और नर्वस सिस्टम तथा मसल्स के और हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़िम्मेदार होता है। इसमें जिंक भी होता है दोस्तों, जो कि बोन के मिनरलाइजेशन के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी के डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए भी जो जिंक होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके यूजेज की बात करें तो दोस्तों हमेशा इसका उपयोग अपने डॉक्टर के सलाह पर ही करनी चाहिए। इसके डोज की बात कर लेते हैं तो इसका जो एवरेज डोज होता है, अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है तो उसका डोज होता है 5 ml सुबह शाम। अगर 5 साल से नीचे है कोई तो उसका जो डोज होता है वो होता है 2.5 ml ओडी। और अगर कोई बच्चा 10 साल से ऊपर है तो इसका जो डोज होता है वो होता है 10 ml, दिन भर में एक बार आप दे सकते हैं। इसका जो डोज होता है वो डिपेंड करता है बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से, डॉक्टर अपने हिसाब से डोज को एडजस्ट करके आपको दे सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके यूजेज की, क्या क्या इसका यूज होता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कई तरह की कैल्शियम, मिनरल्स और मैग्नीशियम तथा जिंक जैसी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं। तो ऐसे बच्चे जो अंडर डेवलपमेंट रहते हैं, यानी कि उनकी शारीरिक विकास नहीं होता है, उनका ग्रोथ नहीं होता है जैसा चाहिए उस हिसाब से, इसके अलावा उनकी दांतों का जो डेवलपमेंट होता है, जो दांत बनने की प्रक्रिया होती है वो स्लो होती है, या तो फिर जो दांत होता है वो कमज़ोर हो जाता है, इसके अलावा हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है, इसके अलावा और भी कई तरह की हेल्थ से रिलेटेड इशूज के लिए, इसके अलावा कैल्शियम की कमी के लिए इस सिरप को जो है डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसका कुछ जो साइड इफ़ेक्ट होता है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसको लेने की वजह से पेट में गैस बनना, डाइजेशन सही ना रहना, डायरिया, वॉमिटिंग, रैसेस पड़ जाना जैसी कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हो जाती हैं, जो कि एक टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं। यदि किसी को इसको लेने की वजह से कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है तो तुरंत इस दवाई का उपयोग बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसके MRP की बात करें तो दोस्तों जो इसका एवरेज प्राइस होता है, 200 ml के पैकिंग का दाम करीब 150 से लगा के 200 रुपये के आसपास का मिल जाता है, और जो 100 ml का होता है वो करीब 120 रुपये के आसपास का मिल जाता है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी कैल्डिकाइंड पी सिरप के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।